डायनासोर एक ऐसी भयानक प्रजाति जिसने आज से 243 मिलियन साल पहले ट्रायसिक काल में जन्म लिया और क्रिटेशियस काल जो कि आज से 66 मिलियन साल पहले खत्म हुआ था उसके अंत तक अस्तित्व में रहे। डायनासोरों ने हमारी पृथ्वी पर करीब 16 करोड़ सालों तक एक छत्र राज किया। डायनासोर रेप्टाइल्स या रेंगने वाले जानवरों के ग्रुप से बिलोंग करते थे। डायनासोर शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1842 में सर रिचर्ड ओवन के द्वारा किया गया जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक भयानक छिपकली। आज से अरबों साल पहले पृथ्वी पर केवल इन्हीं विशालकाय और दैत्याकार जीवों का बोलबाला था। उस समय डायनासोर पृथ्वी के हर महाद्वीप पर 1500 से ज्यादा प्रजातियों के साथ निवास करते थे। लेकिन 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से डायनासोरों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डायनासोर आज भी हमारे बीच ही हैं, बस उनका रूप थोड़ा सा बदल गया है। रिवर्स जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीवाश्म रिकॉर्ड दोनों यही दर्शाते हैं कि आज के समय के पक्षी आधुनिक पंख वाले डायनासोर ही हैं। अधिकतर जीवाश्म विज्ञानी भी यही मानते हैं कि वर्तमान युग के पक्षी डायनासोर के ही वंशज हैं। लेकिन क्या डायनासोर की कोई विशालकाय प्रजाति आज भी जिंदा हो सकती है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 66 मिलियन साल पहले जब इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति का उदय भी नहीं हुआ था तब उन विशालकाय जीवों के साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि आज आपको ये वीडियो देखने की जरूरत महसूस हुई होगी। स्वागत है आप सभी का रहस्य टीवी में और मैं हूँ कुलदीप सिंह। तो चलिए चलते हैं 68 मिलियन साल पहले। आज से 68 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर सब कुछ सामान्य था। हमेशा की तरह ही सुबह और शाम हो रही थी। प्रकृति अपने सुंदरता के चरम रूप पर थी। डायनासोर्स और अन्य प्रजातियां हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे थे, इस बात से बेखबर कि कहीं सुदूर अंतरिक्ष में उनका काल उनकी तरफ बढ़े जा रहा है। उस समय एक विशालकाय एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ 20 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ रहा था। करीब 2 मिलियन सालों बाद यानी आज से 66 मिलियन साल पहले 2 ट्रिलियन टन वजनी और 15 किलोमीटर व्यास वाला वो एस्टेरॉयड पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। कुछ ही समय में वो एस्टेरॉयड पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर गया। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही एस्टेरॉयड वायुमंडलीय फोर्स के कारण आग का गोला बन गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरी गैलेक्सी का सूरज हमारी पृथ्वी पर उतर आया हो। एस्टेरॉयड के पृथ्वी की सरफेस तक पहुंचते वायुमंडलीय फोर्स के कारण इसका डायमीटर 10 किलोमीटर तक रह गया। कुछ ही पलों में ये आग का ददकता हुआ गोला पृथ्वी की सरफेस से टकरा गया। जैसे ही ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया तो उस स्थान से 300,000 क्यूबिक किलोमीटर अर्थ क्रस्ट तेजी से उछटकर स्पेस की ओर चला गया। इधर जमीन पर टक्कर की वजह से महाविस्फोट की स्थिति पैदा हो गई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और 800 किलोमीटर के वृत्ताकार घेरे में आने वाला प्रत्येक जीव इससे निकलने वाली गर्मी और रेडिएशन के कारण तुरंत मर गया। ये टक्कर हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम विस्फोट से अरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। इस महाभयानक टक्कर के बाद उस जगह से धूल का एक भयंकर गुब्बार उठा। ये गुब्बार इतना खतरनाक था कि इसने कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी को धूल के बादलों से ढक दिया। इन बादलों की परत इतनी मोटी थी कि इनको पार करके सूरज की रोशनी भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी उस महाविनाश की जो आने वाले कुछ सालों में होने वाला था। एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने की वजह से पृथ्वी के सेंटर में एक भयंकर कंपन पैदा हुआ और अगले कुछ ही पलों में इस कंपन ने एक उच्च तीव्रता वाले भूकंप का रूप ले लिया। इस भूकंप की वजह से समुद्री इलाकों में उठने वाली ऊंची ऊंची सुनामी लहरों ने पृथ्वी पर जल तांडव करना शुरू कर दिया। इस महाभयानक टक्कर के कुछ समय बाद आसमान से एक बार फिर से आफत बरसने लगी, क्योंकि टक्कर के समय पृथ्वी के जो हिस्से स्पेस में गए थे वो वापस पृथ्वी पर एक आग के गोले की तरह बरसने लगे और दोबारा से एक महाभयंकर विनाश लीला की शुरुआत की। पृथ्वी के ऊपर से बादलों की परत ना हटने की वजह से तापमान भी 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सूर्य का प्रकाश ना मिलने की वजह से धीरे धीरे धरती के सभी इलाकों के पेड़ पौधे मुरझाकर सूखने लगे। ऐसे में शाकाहारी डायनासोर और अन्य शाकाहारी प्रजातियों ने भोजन के अभाव में दम तोड़ दिया। अब बारी थी मांसाहारियों की। शाकाहारी प्रजातियों के खत्म होने के बाद डायनासोरों के सामने भोजन की कमी एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी थी। भूख से निजात पाने के लिए डायनासोर के एक समूह ने दूसरे समूह पर हमला करना शुरू कर दिया। जो ज्यादा ताकतवर होता वो दूसरे को मारकर खा जाता। करीब एक साल बाद डायनासोरों की 70-80% प्रजातियां खाने और पानी के अभाव में विलुप्त हो गई। बाकी बचे हुए 20% डायनासोर भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक दूसरे को अपना शिकार बनाने लगे और कुछ ही समय में डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए। लेकिन इस समय भी एक प्रजाति ऐसी थी जिसने अपने आप को इन सब हमलों और प्राकृतिक आपदाओं से बचा लिया और वो थे मैमल्स। उस समय के छोटे छोटे जीव जो डायनासोरों से बचने के लिए जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते थे और यही मैमल्स आगे चलकर नई प्रजातियों के उद्भव का कारण बनने वाले थे।
जिस समय एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराकर अपनी विनाश लीला रच रहा था, उस समय इन मैमल्स ने अपने आप को बिलों में छुपाकर उस विनाश लीला से बचा लिया। धीरे धीरे पृथ्वी पर खाने की कमी होती गई तो इन मैमल्स ने जो कुछ भी मिला उसी को खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, पृथ्वी के ऊपर से बादलों की परत हटती गई। एक बार फिर से सूरज की रोशनी ने धरती को स्पर्श किया। एक बार फिर से वसंत ऋतु आई और एक बार फिर से प्रकृति ने अपना सुंदरतम रूप दिखाया। धीरे धीरे चारों तरफ हरियाली हो गई, सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। बस कमी थी तो उन विशालकाय जीवों की, लेकिन अब ये वक्त था नई जातियों के पनपने का। जिन मैमल्स ने अपने आप को उस त्रासदी से बचा लिया था, अब आने वाले समय में वही एक नया भविष्य रचने वाले थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, विभिन्न प्रजातियां अपने आप को विकसित करती गई और इसी समय चक्र में एक नई जाति ने जन्म लिया जो आज भी इस पृथ्वी पर राज कर रही है। कुछ विद्वान डायनासोरों के अंत का कारण उल्का पिंड को ना मानकर बड़े पैमाने पर लावा के विस्फोट को भी मानते हैं। डायनासोरों के अंत वाली उल्का पिंड थ्योरी भी कुछ साक्ष्यों और डायनासोरों के जीवाश्म से मिले कुछ तथ्यों के आधार पर ही दी गई है, लेकिन ये थ्योरी उसी तरह से सर्वमान्य थ्योरी है जिस तरह से ब्रह्मांड का निर्माण बिग बैंग थ्योरी के अनुसार हुआ मानते हैं। लेकिन किसे पता कि बिग बैंग थ्योरी सही भी है या नहीं। खैर, ये एक चर्चा का विषय है जिस पर हम भविष्य में चर्चा अवश्य करेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद एक सवाल जो अब भी आपके मन में बार बार आ रहा होगा वो ये है कि क्या उन विशालकाय डायनासोरों की कोई प्रजाति अब भी जिंदा हो सकती है? तो इस सवाल का जवाब है हाँ। आज भले ही साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में नए नए इतिहास रच रहा है, लेकिन एक कड़वी हकीकत ये भी है कि आज भी हम अपनी पृथ्वी को पूरी तरह से नहीं जान पाए। आज भी हमारी पृथ्वी पर सैकड़ों हजारों ऐसे स्थान हैं जो अब भी इंसानों की पहुंच से कोसों दूर है। कुछ तो ऐसे रहस्यमय स्थान भी हैं जिनके बारे में साइंस जानता तक भी नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि उस युग के डायनासोर्स की कोई प्रजाति बड़े आराम से अब भी उन रहस्यमय स्थानों पर विचरण कर रही हो, क्योंकि इस बात का इतिहास गवाह है कि बहुत सी विशालकाय प्रजातियों को साइंस ने विलुप्त घोषित कर दिया था, लेकिन वो प्रजातियां देर से ही सही लेकिन एक बार फिर से लोगों के सामने आई। अफ्रीका के विशाल घने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों ने भी समय समय पर उन जंगलों में डायनासोर्स की तरह ही दिखने वाले विशाल और भयानक जानवर देखने का दावा किया है। इसलिए हो सकता है कि आज भी कहीं किसी आइलैंड पर या किसी घने जंगल में कोई डायनासोर्स का बच्चा उछल कूद कर रहा हो। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये सब मात्र एक कल्पनाएं हैं, लेकिन आज से कुछ साल पहले ब्लैक होल भी तो एक कल्पना ही थी और आज समय यात्रा या टाइम ट्रेवल भी एक कल्पना ही है, लेकिन ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार को शाम 6 बजे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।